हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको हर तरीके के पाउच पैकिंग मशीन के स्पेयर पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, और आपका जो प्रिंटिंग मशीन होता है और आपका जो बैंड सीलर मशीन होता है उसकी भी स्पेयर पार्ट्स मैं आपको लेकर आ गया हूँ। तो आपके सामने ये है मैकेनिकल्स के सारे पार्ट्स, ये देख सकते हैं आपका चैन स्पॉकेट गियर हो गया। इसके बाद आपका जो हॉपर स्टैंड की जो बूस होती है वो हो गया, ये आपका पिन हो गया। उसके बाद हर तरीके का मैं मैकेनिकल पार्ट्स आपको आके दिखाने वाला हूँ। तो हर तरीके का गियर आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको फ्लोरेप मशीन में लगने वाली जो भी आपकी स्पेयर्स है वो मिल जाएंगी, ये आपकी हाउसिंग के मिल जाएंगे। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको हॉपर स्टैंड जो हॉपर पाइप होती है वो मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको ये कैमरा का स्टैंड मिल जाएगा पूरी एसएस के साथ। उसके बाद आपको ये चैन गियर मिल जाएगा, चैन गियर जो होता है वो नीचे लगा होता है। उसके बाद आपको चकनट बुश मिल जाएगा वो भी आपका ब्रास में। इसके बाद आपको हर तरीके का हमारे पास सीलर मिल जाएगा न्यूमेटिक से लेकर के एफएफएस तक। इसके बाद आपको पिन मिल जाएगा, पिन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद आपको बुश जो है ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको हमारे पास हाउसिंग भी मिल जाएगा सभी मशीन के, जो भी एफएफएस न्यूमेटिक के हाउसिंग है। ये हमारे पास ऑगर के जो स्क्रू होते हैं, ऑगर ऑगर पाइप के स्क्रू भी मिल जाएंगे। इसके बाद आपको शटर मिल जाएगा जो एफएफएस मशीन में मसाले में यूज होता है। इसके बाद आपको हमारे पास 10-20 का गियर मिल जाएगा। उसके बाद चैन का हमारे पास 20-10 का गियर मिल जाएगा। इसके बाद आपको हमारे पास जो ये है ये आपका लीवर मिल जाएगा। लीवर के बाद आपको मैकेनिकल के जो भी पार्ट्स है वो आपको हमारे पास अवेलेबल, जितने भी पार्ट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका रील ब्रैकेट, वो मिल जाएगा। ये आपके पास ये आपका जो वो गियर होता है उसकी है। ये आपका पैडल प्लेट मिल जाएगा आपको, पैनल प्लेट के पास ये हमारे पास गन मेटल बूस मिल जाएगा। गन मेटल आपको बहुत तरीके के हैं, 58 के हैं आपका, फिर 81 के हैं। तो सभी साइज के जो गन मेटल बूस है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये आपका हाउसिंग का जो ऊपर का सिस्टम होता है वो पूरा मिल जाएगा, एडजस्टेबल का मिल जाएगा। इसके बाद मेटलिक नट आपको हमारे पास मिल जाएगा। इसके बाद आपको हमारे पास शाफ्ट जो होते हैं वो मेन शाफ्ट और नॉर्मल शाफ्ट सब मिल जाएंगे। इसके बाद मेल फीमेल गियर भी मिल जाएंगे आपको हमारे पास। ये जो स्टैंड है कैमरा स्टैंड होता है वो भी आपको हमारे पास ये अवेलेबल मिल जाएंगे। हर तरीके का हर साइज का सीलर आपको मिल जाएगा जो एफएफएस में यूज होने वाली होती है। हमारे पास हर तरीके का आपको सीलिंग जो होती है वो मिल जाएंगे, 58 के 72 के लर्निंग में लाइनिंग में दोनों में मिल जाएंगे। ये आपके सामने मैकेनिकल गियर है, ये भी आपको मेन शाफ्ट गियर बोलते हैं इसको, वो भी मिल जाएंगे। ये आपका जो हॉपर है वो ऑगर में यूज होता है। इसके बाद आपको कॉलर में यूज होने वाला आपको रोल रिबन मिल जाएगा आपको, जो आपके पाउच रोल को कलेक्ट करके रखता है। इसके बाद आपको हर तरीके का आप देख सकते हैं हमारे पास शाफ्ट जो है वो मेन शाफ्ट से नॉर्मल शाफ्ट तक मिल जाएगा। इसके बाद आपको मेल फीमेल बूस गियर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ये जो पूरा सेट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद गियर बैग गियर बॉक्स हर रेशियो का हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद आपको पिच गियर, जो भी स्पेयर पार्ट्स में आपका पिच गियर आती है जैसे एफएफएस मशीन में, वो भी मिल जाएगी। ये आपके पास हमारे पास सीलर है, सीलर भी अवेलेबल है। इसके बाद न्यूमेटिक एफएफएस की जो रिंग होती है कटोरी में लगने वाली वो मिल जाएगी। हर तरीके का आपको ये रोलर मिल जाएगा, जो आपका रोलर अगर खराब हो गया। उसके बाद आपको ये पंखुड़ी मिल जाएगा जो आपकी रोल को पकड़ करके रखता है। इसके बाद आपको ये रिबन कोडिंग लगाने के लिए आपका सिस्टम है वो मिल जाएगा आपको मेरे पास। इसके बाद आपको कॉलर वाली कॉलर पाइप और कॉलर ये दोनों आपको सूट मिल जाएंगे हमारे पास। इसके बाद आपको हमारे पास न्यूमेटिक के भी सूट अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर दे के भी हमें सारी चीज आप अपने से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास न्यूमेटिक के ब्लेड जो होते हैं वो आपको हर एक साइज में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वो भी वेरी हार्डनेस के साथ। इसके बाद आपको ये भी मिल जाएंगे जो ब्लेड है आपका सामने। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका जो है डिस्क है, हर एक साइज के डिस्क मिल जाएंगे।
या आपका कैम है, कैम भी आपको मिल जाएंगे हमारे पास। इसके बाद आपको यू टाइप का जो बैरिंग होता है LBU भी, वो भी मिल जाएंगे। हर एक साइज के हमारे पास जो कॉलर की बेल्ट होती है वो मिल जाएंगी। इसके बाद आपको रोलर मिल जाएगा, रबड़ रोलर से लेकर के आपको दानेदार रोलर तक, हर एक टाइप के आपको आगे मैं दिखाने वाला हूँ। गियर बॉक्स, तो ये गियर बॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ये ब्रास का ब्रश मिल जाएगा जो सीलर को साफ करने में यूज होता है। इसके बाद ये हॉपर रबड़ मिल जाएगी, ये आपका ऑगर का क्लच ब्रेक मोटर है वो मिल जाएगा। क्लच ब्रेक मोटर के साथ ऊपर मेन मोटर भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद आपको ये क्लच ब्रेक मोटर न्यूमेटिक और आपका फुल न्यूमेटिक में यूज होने वाला क्लच ब्रेक मोटर है। इसके बाद आपको FS मशीन की जो मोटर होती है वो मिल जाएंगी। इसके बाद अनवाइंडिंग मोटर आपको 24 वोल्ट 220 वोल्ट दोनों में मिल जाएंगे। मेन मोटर मिल जाएगा आपका क्रम्पटन का, मैराथन का या फिर आपको गोदरेज का। ये आपके पास पैनल है जो PLC पैनल है आपका मेन पैनल, वो मिल जाएंगे GLR के। FFS के पैनल मिल जाएंगे आपको, वो भी डिजिटली में पूरी आपको कैमरा के साथ। ये आपका ऑगर पैनल है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपको आगे दिखाने वाला हूँ कैमरा, हर एक तरीके का कैमरा मिल जाएगा आपको। जैसे कि आप मल्टी सेंसर कैमरा लेना चाहते हैं, मल्टी कलर से कैमरा लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। इसके बाद पैनासोनिक का कैमरा जो कॉलर में यूज होती है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हर एक तरीके का आपको मैं आगे जो हीटर है वो दिखाने वाला हूँ। तो लॉन्ग हीटर जितने भी साइज के हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। हर एक मशीन के हीटर मिल जाएंगे, ये गोल वाला हीटर मिल जाएगा। उसके बाद आपको कान वाला हॉटर, ये जो आपका हीटर है वो हर एक साइज में 58 का 72 का दोनों मिल जाएगा। हर एक साइज के आपको हीटर हमारे पास अवेलेबल है। बैंड सीलर के हीटर अवेलेबल हैं जो हर एक साइज में देख सकते हैं आप हमारे पास है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्यूज होल्डर, आपको मिल जाएगा फ्यूज भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद इंडिकेटर लाइट जो होती है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ ये आपके पास कॉन्टेक्टर मिल जाएंगे जो यूज होते हैं आपका टेम्परेचर कंट्रोलर में। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो SSR चल रहा है, आपको हर एक तरीके का एम्पियर में SSR मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो देख सकते हैं ये है आपका वाइब्रेटर सिस्टम। वाइब्रेटर का जितने भी पार्ट्स है आपको हमारे पास मिल जाएंगे, कंट्रोलर से लेकर के ट्रे से लेकर के आपको हर एक, जैसे हर तरीके का कंट्रोलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप हर एक कंपनी का कंट्रोलर हमसे ले सकते हैं। और पूरी वाइब्रेटर आपको हम पूरी वाइब्रेटर के सेट के साथ आपको हम दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास वोल्ट मीटर है, ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके बाद जो फ्लोरेप मशीन होती है उसकी जो आपकी किल पिन होती है वो सारे साइज में आपका ये मिल जाएगा जो PP से बना होता है। इसके बाद आपको हमारे पास न्यूमेटिक सिस्टम की भी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, जो आपका न्यूमेटिक पाइप हर एक साइज का 8 mm से लेकर के 6 mm तक मिल जाएंगे। न्यूमेटिक सिलेंडर आपको हर एक साइज में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं छोटे से लेकर बड़ा तक आपको न्यूमेटिक की जितनी सिलेंडर है वो हमारे पास आपको मिल जाएंगे। कोडिंग के सिलेंडर मिल जाएंगे, तो आप हर तरीके का स्पेयर पार्ट्स हमें हमारे से घर बैठे मंगवा सकते हैं। जैसे हमारा न्यूमेटिक का जितना भी आप सिलेंडर देख रहे हैं, कॉइल देख रहे हैं, वो सारा हमारे पास अवेलेबल है। आप घर बैठे ये सब सारी स्पेयर्स आप मंगा सकते हैं और घर बैठे अपने मशीनों की मरम्मत कर सकते हैं, आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपके सामने क्वाइल मिल जाएंगे, इसके बाद आपको टी मिल जाएगा, कनेक्टर जितने भी न्यूमेटिक के कनेक्टर वो मिल जाएंगे, FRL हर एक साइज के FRL आपको जो फिल्टर करने के लिए एयर को यूज होता है वो मिल जाएगा। उसके बाद थ्रेड बुश मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो हमारे पास है ये एयर फिल्टर जो होता है वो आपको न्यूमेटिक का मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये आप देख सकते हैं SMPS जो 24 वोल्ट यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको हर एक तरीके का सेंसर दिखाने वाला हूँ। ये आपके पास NPN PNP सारी सेंसर हमारे पास अवेलेबल है, मोटा हो पतला हो छोटा हो सारे में मिल जाएगा। ये आपका क्लच ब्रेक मोटर का सेंसर है वो आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद आपको देख सकते हैं ये है PNP NPN सेंसर जो मेन सेंसर होता है वो मिल जाएंगे। उसके बाद थर्मोकॉपर वायर हमारे पास मिल जाएगा, हर एक तरीके का थर्मोकॉपर वायर अवेलेबल है। उसके बाद जितने भी टेम्परेचर कंट्रोलर डिजिटली और एनालॉग दोनों में मिल जाएंगे, FRL के हर एक साइज के आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो PP आप देख रहे हैं ये PP रोल भी मिल जाएगा, और इससे बने हुए डायरेक्ट कप हमारे पास अवेलेबल, आपको हर एक साइज के कप आप हमसे रेडी करवा सकते हैं और ऑर्डर दे करके आप सारे कस्टमाइज कप बनवा सकते हैं।
उसके बाद आपको मैं बैंड सीलर की तरफ ले चलता हूँ। तो बैंड सीलर आप देख सकते हैं हमारे पास एसएस में और एमएमएस आपका एमएस में दोनों में अवेलेबल है, और इसके स्पेयर पार्ट भी हमारे पास पूरी तरीके से मिल जाएंगे, जैसे हीटिंग टेप वगैरह आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो बैंड सीलर में यूज होने वाली होती है बेल्ट, बहुत ज्यादा टूटती है, ये भी आपको बेल्ट हमारे पास मिल जाएगा। एक हमारे पास पीपी की जो बेल्ट होती है थ्रेड वाली, वो भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैं कोडिंग की बात करता हूँ, तो कोडिंग में हमारे पास हर एक तरीके का कोडिंग अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वो आपका हैंड वाला कोडिंग था, इसके बाद रोलर कोडिंग आपको इंक वाली मिल जाएगी। इसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ ये लेटेस्ट में चल रही है अभी रिबन कोडिंग मशीन, तो रिबन कोडिंग की आपको सेंसर से लेकर के रिबन तक सारी आपको स्पेयर्स मिल जाएंगी, और न्यू मशीन भी मिल जाएगी। जैसे ये पैनल आप देख रहे हैं, ये पैनल भी हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये कोडिंग मशीन आपको दो साइज में 500 mm, 400 mm, 600 mm सारे में मिल जाएंगे। इसकी जो रिबन होती है आपका 25x100, 30x100 दोनों में मिल जाएगा, हमारे पास हर एक साइज में अवेलेबल है। आप घर बैठे और आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवा सकते हैं। हमारे पास कोडिंग मशीन के जो होल्डर होते हैं ब्रास के होल्डर, वो भी मिल जाएंगे। लेटर्स के पूरे बॉक्स मिल जाएंगे आपको इस कोडिंग मशीन की। आगे मैं जो कोडिंग दिखाने वाला हूँ ये है आपका हॉट इंक रोलर कोडिंग मशीन जो लेटेस्ट में है। इसके बाद एक और हमारे पास कोडिंग मशीन है, ये हॉट फॉइल इंक रोल कोडिंग मशीन है, ये थोड़ी महंगी है। उसके बाद हमारे पास जो कोडिंग मशीन है वो हैंडी कोडिंग मशीन है, जिसे रिबन कोडिंग मशीन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट कोडिंग मशीन भी ऑनलाइन वाली है। तो हमारे इस चैनल पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, और आने वाले वीडियो का इंतजार जरूर